शांति चारों ओर है, आतंकी घटनाएं जहां कहीं भी होने की संभावना लगती है वहां कार्रवाई होती है, पर पूरा राज्य अन्यथा एकदम शांत रहता है। लोग आज शांति चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े ये चाहते हैं, पर दुर्भाग्य इस बात का है मित्रों, यहाँ के जो घाटी के दल विशेषकर है, जो रीजनल पार्टीज है, ये अभी भी जनता के, घाटी के जनता के असली जो तमन्ना है, असली जो इच्छा है, इसको आज भी समझते नहीं है कि आज जो पार्लियामेंट चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करके आगे आए हैं ये दो रीजनल पार्टीज, जब यहां म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे थे तब तो लोगों को कह रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का काल का कारण था कि 35A को खतरा है, बॉयकॉट काल का कारण था कि 370 को खतरा है। खतरा किससे है? मोदी सरकार से है। दिल्ली में मोदी सरकार है, फिर आने वाला है, और 370 हो 35A हो, इस पर हमारा स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। फिर कैसे अब चुनाव अच्छा लगा आपको, पार्लियामेंट चुनाव? भाई कारण इतना ही है, ये तो इस राज्य के विशेषकर घाटी के जनता को लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इस जनता के सामान्य लीडर को आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं लोग। पर जब अपने राजनीतिक भविष्य का प्रश्न आता है, फारूक साहब को भी चुनाव लड़ना है तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है, महबूबा जी को भी चुनाव लड़ना है तब तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है, तब 35A उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, 370 बड़ा इश्यू नहीं है। मित्रों ये लोग अपने फैमिली, अपना निजी राजनीतिक स्वार्थ देखने वाले नेता है। देखिए अकबर लोन पर FIR होना चाहिए, ये हमारे पार्टी का डिमांड है। Please don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates.